हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL के स्टॉक के बारे में। शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 7.68% ऊपर के लेवल पे कारोबार करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया। देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न है इसको हम रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। मैं पहले आपको इस पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो ऊपर की लाइन होती है इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे की लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट। देखिए दोस्तों, स्टॉक जो है मल्टीपल टाइम इसी लेवल पे जो है यहीं पे रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिलती है और इसी लेवल पे आने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर की ओर हमें बाउंस देखने को मिलता रहता है। फाइनली हमें यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद में देखिए, यहाँ से हमें ऊपर की ओर तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस जोन के नीचे का यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे का ये सेल रख के कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ से लेके ऊपर के नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक यानी कि सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस का जितना गैप होता है उतना ही ऊपर के साइड में जो है हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं। अभी जो देखिए यहाँ पे सेम एज इट इज पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे चुका है, ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो इसके चलते फर्दर हमें यहाँ पे तेजी भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना ही चाहते हैं तो इस जोन के नीचे का ये सेल रख के ही आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करें। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टॉक मार्केट तो हमारे पास जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2019 से 2022 तक का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं 22 को 21 के साथ में तो आप देख सकते हो रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग के लिए एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार जरूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका फोरकास्ट। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। वन एनालिस्ट जो है हमें यहाँ पे 100% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि ठीक ठाक सलाह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए खुद की एनालिसिस करके ही इसमें एंट्री का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं AngleOne ऐप में। दोस्तों आ चुके हैं ऐप में। ऐप में आने के बाद वॉचलिस्ट में आके सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम सर्च करके ऐड कर लेना है। हमने पहले से ही RVNL को ऐड करके रख लिया है, उस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा, सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद अगर आप स्टॉक को बाय करके होल्ड करना चाहते हो आप डिलीवरी में करेंगे, सेम डे बाय सेम डे सेल करना चाहते हो आप इंट्रा डे में करेंगे। यहाँ पर हमें क्वांटिटी एंटर करनी है। मान लीजिए हमें यहाँ पर इसकी 100 क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पर हम 100 क्वांटिटी एंटर करेंगे। नीचे में लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिया। लिमिट यानी कि स्टॉक को आप अपने मनपसंद प्राइस पर खरीद सकते हो। जैसे कि स्टॉक प्राइस चल रही है 83.25, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 82 पे तो यहां पे आप एंटर करेंगे। जब भी इसकी प्राइस यहां पे आ जाएगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मार्केट रेट क्या होता है, मार्केट रेट यानी कि जो भी इसकी करंट प्राइस चल रही होती है उसी पे डायरेक्टली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपली हमें बाय पे टच करना है। बाय पे टच करने के बाद कंफर्म आ जाएगा। कंफर्म पे टच करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगी इंट्रा डे के लिए भी। दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री बनाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।